वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आईएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा यासीन। नाज़रीन, ग़ुलाम हुसैन पार्क के सामने एक बार फिर मैं खड़ा हूं। मैं इसलिए आया हूं कि आज मरियम नवाज़ साहबा की गुजरांवाला में पेशी थी, और वो पेशी इस हवाले से थी कि उनका जो वर्कर कन्वेंशन यहाँ पर करवाया गया, उसके बदले में जो पार्क का नुकसान हुआ है उसका कौन ज़िम्मेदार है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दीवार अब दोबारा बनाई गई है, यह भी कच्ची दीवार है। वहाँ से लेकर वहाँ तक ये सारी दीवार तोड़ दी गई थी। इस दीवार को तोड़ा गया था, यहाँ से रास्ता बनाया गया था, और इस रास्ते से मरियम नवाज़ साहबा को गाड़ी पे स्टेज तक ले जाया गया था। सवाल ये है कि जब ये दीवार तोड़ी गई थी और जो दीवार पहले बनी थी वो किन के पैसों से बनी थी, और अब जब दोबारा बनाई गई है तो वो दीवार किसने बनवाई है? क्या खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपनी जेब से बनवाई है, मरियम नवाज़ साहबा ने वो पैसे अपनी जेब से अदा किए हैं, या गुजरांवाला की जो दूसरी मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है उन्होंने वो पैसे अपनी जेब से अदा किए हैं? हालांकि ऐसा नहीं है, हमारी इतलात के मुताबिक ये जो दीवार दोबारा बनाई गई है ये सरकारी अखराजात ही से बनाई गई है। जिस तरह के हम पहले आपको आगाह कर चुके हैं कि पार्क में 3 दिन तक सरकारी वसाइल को बेदरेक इस्तेमाल किया गया, मरियम नवाज़ साहबा की आमद से कबल यहाँ पे तमाम जो इदारे हैं गुजरांवाला के, साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के इदारे, और इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी यहाँ पे सफाई सुथराई और पार्क की तराश खराश में मसरूफ़ रही है, और ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। अब जब वर्कर कन्वेंशन हो चुका है तो वर्कर कन्वेंशन के बाद इस पार्क की क्या सूरत हाल है? अब साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पार्क की सफाई में कितना मसरूफ़ हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ देखने आए हैं। पार्क की दीवार को तोड़ा गया, दोबारा मरम्मत किया गया, वही पैसे, टैक्स के पैसे जो हम और आप अदा करते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से इस दीवार को दोबारा मरम्मत किया गया है, और दीवार दोबारा अपनी उसी हालत में खड़ी है। मसला सिर्फ ये था और बात सिर्फ इतनी सी थी कि चंद मिनट यानी कि चंद सेकेंड के लिए इसकी ज़रूरत थी। मरियम नवाज़ साहबा की गाड़ी ने यहाँ से अंदर दाखिल होना था, सिर्फ इतनी सी ज़रूरत थी और दीवार सारी तोड़ कर रख दी गई, दरख्त काट दिए गए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बड़े बड़े नुकसान होते हैं, अवामी जगहों के नुकसान होते हैं, और वो नुकसान दोबारा अवामी अखराजात ही से, हमारे और आपके टैक्स के पैसों ही से पूरे किए जाते हैं। कोई सियासतदान अपनी जेब से पैसे नहीं देता, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो किसी पब्लिक पार्क का या अपनी सियासी सरगर्मी के लिए किसी सरकारी ज़मीन का या किसी सरकारी इमलाक का नुकसान करे और फिर उसे अपनी जेब से पूरा करे, ऐसा नहीं होता। ये वही पैसे मैं और आप जो टैक्स के अदा करते हैं, हमने इन सियासतदानों को अपने टैक्स के पैसों से बतौरे बादशाहत पाला है और हम ही इनको पालते चले आ रहे हैं। लिहाजा जलसे जुलूस वो किसी भी सियासी पार्टी से मुंसलिक हों, कोई भी सियासी पार्टी जब भी अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो उसके नतीजे में होने वाले नुकसान का अजाला भी वो आवाम ही करती है जो उस जलसे और जुलूस में शिरकत करती है। यानी कि हमें हर हाल में सियासत और सियासतदान महंगे पड़ रहे हैं। अभी पार्क में कचरा बिखरा पड़ा है, एक तरफ ईंटों का ढेर लगा है, दूसरी तरफ पार्क में पानी खड़ा किया गया, और पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में खड़ा कर दिया गया। मुझे लगता है कि वो कॉरपोरेशन के अमला या पार्क्स एंड हार्टिकल्चर का जो अमला है वो पाइप चलाकर उसे बंद करना भूल गया, और ये पानी जो है ये सारा पार्क के अंदर खड़ा है, अब ये बैठने के काबिल नहीं रहा। जलसा करने से पहले, वर्कर कन्वेंशन से पहले इसको वर्कर कन्वेंशन के काबिल बनाया गया, अब वर्कर कन्वेंशन के बाद इसको आवाम के बैठने के काबिल भी नहीं छोड़ा गया। यानी कि अब यहाँ पर आप तफरी सैर व तफरी के लिए नहीं आ सकते। पहले चलें, खैर यहाँ पर गंद पड़ा हुआ था, सारे शहर के कुत्ते इसी पार्क में आकर सोते थे, आराम फरमाते थे, और आम शहरी भी वहीं पे अपना आराम फरमाते थे। अब इसके बाद इसकी हालत इससे भी ज़्यादा गैर है, और दरख्त जो काटे गए हैं अब उन दरख्तों को दोबारा कैसे मरम्मत किया जाए, ये तो ना कुदरत में कोई ऐसा करिश्मा मौजूद है, ना कानून के पास कोई ऐसा करिश्मा मौजूद है कि वो दरख्त जो है वो दोबारा ला कर यहाँ पर लगा दें। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम सरकारी इदारों का, जिस तरह मैंने पहले शुक्रिया अदा किया था कि हमारी इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का भी, साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का भी, मैंने नासा का भी शुक्रिया अदा किया था लास्ट टाइम
क्योंकि खला में बैठ के उन्होंने इस सारे अमल की मॉनिटरिंग की थी, वो चेक कर रहे थे कि सारे काम ठीक हो रहे हैं। और खलाई मखलूक खला के साथ साथ मैंने खलाई मखलूक का भी शुक्रिया अदा किया था जिनकी वजह से हमारे शहर में ये सारा कुछ हो रहा है। शहर की तो खैर दूर की बात, हमारे मुल्क में सारा कुछ हो रहा है। पार्क को तालाब में बदलने का एक बार फिर से शुक्रिया PHA और दूसरे जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं। आएँ, लूटें, बैठें, खाएँ, तबाह करें, जाएँ, आपके बाप का मुल्क है, आपको कौन पूछेगा। हम तो हैं पाकिस्तानी, हम तो आपको पालने के लिए हैं। असल में मुल्क तो तुम्हारा है सियासतदानों, लिहाजा ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा मुल्क ये तुम्हारा है, हम आपको पालने के लिए, आपकी परवरिश करने के लिए हैं। इससे पहले पार्क को बेहतरीन बनाया गया, अब बैठने के काबिल भी नहीं छोड़ा गया। खैर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मुझे दुख है, सरकारी है, सरकार को भी कोई दुख नहीं। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।